हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके वापस आइएगा। डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, उसके साथ ही ग्रैंडपा का जून एन से लगाव होता है क्योंकि वो उनकी अब ग्रैंड डॉटर है, होंग जी की बेटी है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे जून एन से मिलने जाना है। ग्रैंडपा उन दोनों को देख कर कहते हैं कि तुम दोनों ने अब तक ब्रेकअप नहीं किया। मिंग यंग कहता है कि मैं और जू नाइन पहले कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर थे, लेकिन अब हम साथ रहना चाहते हैं। मुझे मालूम है मिस शेन के साथ शादी करके ग्रुप को फायदा होगा, लेकिन मैं ग्रुप की बेटरमेंट के लिए काम करूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं तुम इसके साथ रहने के लिए सब कुछ छोड़ रहे हो। मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, लेकिन शेन ग्रुप तुम्हारे लिए सक्सेस का रास्ता था, अब तुम्हें खुद सक्सेस ढूंढना होगा। मिंग यंग कहता है कि मैं डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। जू नाइन ग्रैंडपा को मिस्टर जी यू कहती है, तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मिंग यंग की तरह मुझे ग्रैंडपा कहो, और स्माइल करते हुए चले जाते हैं। रात में जू नाइन सोच में पड़ जाती है कि मुझे पता है मिंग यंग ग्रैंडपा से झूठ कह रहा था कि वो मेरे साथ रहना चाहता है, लेकिन वो सीरियस लग रहा था। क्या मेरे लिए फीलिंग रखता है? फिर खुद को ही डांटती है कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं यहाँ रुकने की वजह ही भूल गई हूँ। और वहाँ मिंग यंग के हाथों में डीएनए रिपोर्ट होती है। नेक्स्ट डे ग्रैंडपा मिंग यंग को नेक्स्ट मंथ शादी करने के लिए कहते हैं। मिंग यंग कहता है मैं उससे शादी तो करना चाहता हूँ, पर अब तक रिकवर नहीं हुआ हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम बहुत पहले ठीक हो गए हो, ये छोटी छोटी चीजों को बीमारी कहते हो। मैं डॉक्टर को भेज दूंगा ट्रीटमेंट के लिए कॉपरेट करना। मिंग यंग का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। डॉक्टर हैंडशेक करने के लिए कहते हैं, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी मिंग यंग हैंडशेक नहीं कर पाता। डॉक्टर जू नाइन से कहते हैं कि क्या हम प्राइवेट में बात कर सकते हैं। मिंग यंग के जाते ही जू नाइन से कहते हैं कि ये स्ट्रेस डिसऑर्डर से तुम्हारे फिजिकल रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। मिंग यंग को ट्रस्ट इशू है, वो अलग अलग लोगों पर अलग ट्रस्ट करता है। सबसे क्लोज तुम हो, तो मिंग यंग की मेंटल इलनेस ठीक करने में मदद कर सकती हो। अगर तुम भी नहीं कर पाओगी तो कोई भी नहीं कर पाएगा। वो कभी भी किसी से फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा। जू नाइन को सब बातें याद आती है, तो वो सोचती है कि उसने कितनी बार मुझे हेल्प किया है। अब कुछ भी हो, मुझे हेल्प करना चाहिए। जू नाइन डॉक्टर से पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। मिंग यंग सोच रहा होता है कि डॉक्टर मुझे ट्रीट करने आए और मुझे ही जाने कहा। जब फिर जू नाइन के पास आता है तो डॉक्टर चले गए होते हैं। मिंग यंग पूछता है कि चले गए बिना ट्रीट किए? मुझे कोई बड़ी बीमारी होगी, मैं मरने वाला हूँ। अब तक मेरी शादी नहीं हुई, मेरे बच्चे नहीं हुए। जू नाइन गुस्से से कहती है कि बस करो, और उसके करीब आती है। मिंग यंग दूर जाता है, वो उसके एकदम करीब आकर उसके ऊपर आ जाती है और दोनों हाथ पकड़ लेती है। मिंग यंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। जू नाइन बहुत करीब आ जाती है और कहती है कि तुम इसके लिए रेडी हो? डॉक्टर ने कहा मैं तुम्हारे साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट करूँ, जिससे तुम्हारी बीमारी दूर करने में हेल्प हो। मिंग यंग कहता है अच्छा, मुझे लगा तुम्हें, और रुक जाता है। जू नाइन कहती है क्या लगा? मिंग यंग कहता है कुछ नहीं। जू नाइन कहती है तुम्हें इतना डिस्टेंट ठीक लगा? मिंग यंग लेट हो जाने का बहाना करके वहां से चले जाता है। ब्रेकफास्ट के टाइम फिर जू नाइन गुस्सा होकर पूछती है कि तुमने बताया नहीं, तो मिंग यंग कहता है कि मुझे तुम्हारी ट्रीटमेंट चलेगी। तो जू नाइन कहती है ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ऑफिस चलूंगी। तो मिंग यंग कहता है वहां बहुत लोग होंगे। तो जू नाइन कहती है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। ऑफिस में जू नाइन मिंग यंग का हाथ पकड़े रहती है, जिस वजह से ऑफिस के लोग उन्हीं को देख रहे होते हैं, लेकिन जू नाइन उसका हाथ छोड़ते ही नहीं। डॉक्टर जू नाइन को कहते हैं कि मिंग यंग से नॉर्मली रहो, बस फिजिकल कॉन्टैक्ट करो, जैसे कि हाथ पकड़ना, टच करना, रोमांटिक मोमेंट बनाना। मिंग यंग आते ही जू नाइन कहती है कि हम रिलैक्सिंग मूवी देखते हैं। जू नाइन हॉरर मूवी प्ले करती है, जिससे मिंग यंग डरते हुए उसके करीब बैठा होता है। कहता है ये रिलैक्सिंग मूवी है? जू नाइन कहती है कि मुझे स्ट्रेस डिसऑर्डर था, जिससे मैं बात नहीं कर पाती थी। तुमको भी सेम प्रॉब्लम है। जू नाइन भी एक सीन में डर जाती है। मिंग यंग उसे अपने बाहों में छुपा लेता है, लेकिन अचानक लाइट चले जाती है। दोनों चिल्लाने लगते हैं और एक दूसरे को पकड़ कर बैठ जाते हैं। जू नाइन कहती है कि सर की ट्रिप हो गया होगा। मिंग यंग कहता है कि मैं किसी को फोन करके बुला लेता हूँ। जू नाइन कहती है कि तुम ठीक कर लो। मिंग यंग उसे भी साथ चलने के लिए कहता है। दोनों टॉर्च लेकर स्टेप से उतर रहे होते हैं। इस बार जू नाइन को बहुत डर लग रहा होता है। जू नाइन का बैलेंस बिगड़ जाता है। मिंग यंग उसे पकड़ने जाता है, लेकिन दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं। जू नाइन के लिप्स मिंग यंग के लिप्स को टच होते हैं। जू नाइन जल्दी से उठ जाती है और कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ। मिंग यंग वहीं बैठा स्माइल कर रहा होता है।
नेक्स्ट डे मिंग यंग ऑफिस जाने के लिए जू नाइन को बुलाने तो आ जाता है, लेकिन डोर नॉक नहीं कर पाता। अंदर जू नाइन भी एम्बेरसमेंट से बाहर नहीं आती। मिंग यंग वॉइस मैसेज सेंड करता है कि मैंने इलेक्ट्रिक ठीक कर दिया है। जू नाइन भी वॉइस मैसेज सेंड करती है कि ठीक है, रात में मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाकर रखूंगी इलेक्ट्रिक मिंग यंग। ऑफिस में मिंग यंग वॉइस मैसेज सुनकर स्माइल करता है, उसी के ख्यालों में रहता है। जू नाइन शॉपिंग के लिए निकल जाती है, लेकिन मैनली की नज़र उसी पर होती है। शॉपिंग करते हुए जू नाइन टेक्स्ट मैसेज करती है कि मिंग यंग आज खाने में क्या बनाओ, आज मूवी तुम चूज करना। मिंग यंग रिप्लाई देता है, जो तुम बनाओगी मैं खा लूंगा, और मूवी ऐसी चूज करो जो फो आग की हो। जू नाइन कहती है कि मैं पूरी मूवी तुम्हारे साथ कंपनी दूंगी। जब जू नाइन पार्किंग लॉट में आती है, उसे कोई किडनैप कर लेता है। मिंग यंग ऑफिस के बाद जू नाइन के लिए प्रपोजल रिंग लेने जाता है, तभी वैनली कॉल करके बताती है कि जू नाइन उसके पास है। जिंगलिंग ग्रुप के पुराने फैक्ट्री में आ जाओ, अगर किसी को साथ लाया तो जू नाइन की बॉडी मिलेगी। ये सुनते ही मिंग यंग जल्दी वहां पहुंच जाता है। वैनली से कहता है कि जू नाइन को हर्ट मत करो, जो चाहिए वो दूंगा। वैनली कहती है कि बहुत देर हो गई उसके लिए, और जू नाइन को शॉक देती है। मिंग यंग कहता है कि तुमको पैसे चाहिए, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन जू नाइन को छोड़ दो, जितना चाहिए उतना दूंगा। वैनली कहती है कि पैसे नहीं चाहिए, इसकी जान चाहिए, और जू नाइन को धक्का देती है। मिंग यंग भाग कर जू नाइन का हाथ पकड़ लेता है। जू नाइन कहती है कि मुझे नहीं मरना। वैनली हंस रही होती है, तभी असिस्टेंट आता है और वैनली को पकड़ ले जाते हैं। मिंग यंग जू नाइन को ऊपर ले लेता है और गले लगा लेता है। जू नाइन कहती है कि मेरे हाथों में ब्लड है। मिंग यंग कहता है कि मुझे सबसे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो ये डर था कि मैं तुम्हें खो ना दूं। मैं अब बिल्कुल वेट नहीं कर सकता, और पॉकेट से रिंग निकाल कर उसे कहता है कि क्या मुझसे शादी करोगी। जू नाइन भी हाँ कहती है। फिर बताते हैं दोनों वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने जाते हैं। जू नाइन को देखकर मिंग यंग कहता है कि मेरा दिल कर रहा है अभी शादी कर लूँ, और उसे किस करने जाता है। तो जू नाइन कहती है कि क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। मिंग यंग कहता है ठीक है, तुम्हारी विल ठीक करता हूँ, और फिर नीडल चुभने की वजह से अपना हाथ पीछे करता है और ब्लड कहकर बेहोश होने लगता है। तो जू नाइन उसे पकड़ लेती है, तो मिंग यंग जल्दी से उसके लिप्स पर किस करता है। जू नाइन कहती है कि कितने खराब हो। मिंग यंग स्माइल करता है, फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। आगे बताते हैं कि होंग्यू जू नाइन से मिलने घर आता है। जू नाइन कहती है कि क्यों आए हो। होंग्यू कहता है तुम भी मिंग यंग की तरह हो, और उसे डीएनए रिपोर्ट देता है। कहता है कि मेरे डैड ने ये टेस्ट कराए थे, 99% पॉजिटिव है, तुम जीयू फैमिली की हो। जू नाइन कहती है कि ये पेपर देखकर भरोसा कर लूं। तो होंग्यू फोटोग्राफ बताते हुए कहता है कि ये वुमेन को तो जानती होगी, तुम्हारी मॉम है और वो होंगजी है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, मेरे डैड की वजह से ब्रेकअप कर लिया, फिर तुम्हारी मॉम ने जू टॉ से शादी कर ली, तुम पैदा हो गई। फिर कहता है कि 10 साल बाद वो रीयूनियन में फिर मिले। होंगजी को फॉलो करने के लिए मैंने मैन लगा दिए, दोनों के बीच में फिर अफेयर शुरू हो गया, ये बात बस मैं जानता था। जू नाइन सोचती है इसका मतलब मॉम इनोसेंट नहीं थी, मैं होंगजी की बेटी हूँ। होंग्यू कहता है तुम्हारी मॉम का कर्मा देखो, तुम अपने हाफ ब्रदर से प्यार करने लगी, अच्छा हुआ शादी के पहले बता दिया। जू नाइन भाग कर घर से बाहर निकल जाती है। होंग्यू स्माइल करता है, मिंग यंग को कॉल लगा कर कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हारे घर पर वेट कर रहा हूँ। जू नाइन जू टॉ के पास जाती है और पूछती है कि सच बताओ मैं आपकी बेटी हूँ या नहीं, जो भी पता है मुझे जानना है।